साउथ एशियन युनिव्हर्सिटी यामध्ये सार देशातील सदस्य असलेल्या देशातील विद्यार्थी शिकत असतात. सध्या ही जी युनिव्हर्सिटी आहे आपल्या देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये आहे आणि त्या दिल्लीमधील या युनिव्हर्सिटीतील काही विद्यार्थी उपोषण करत आहेत. त्यांच्या मागण्या काय आहेत? माझ्यासोबत अफगाणिस्तानीच विद्यार्थी असलेला रेजा आहे. हा महाराष्ट्रातील पुण्यामध्ये त्यांनी अंडर ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट केलेला आहे. रेजा, जो आपकी मांगे है वो क्या है? मास्टर स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है, थोड़ा सा 5000 अभी 4000 मिलेगा किसी दोस्त और मतलब फ्रीशिप में कोई इंडिया से और कोई बाहर से है. लेकिन हम अभी चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा बढ़ाने का वो मिल करें, 7000 इंक्रीज होना चाहिए. और पीएचडी स्टूडेंट के लिए है, ये 6 साल पहले 25000 हो चुका था और अब तक ये जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है और सब कुछ हो रहा है ना, उसके बाद ये इन्फ्लेशन का वो स्टूडेंट के स्कॉलरशिप में एडजस्ट नहीं हुआ है. इसलिए एक वो है कि थोड़ा सा ये स्कॉलरशिप का इंक्रीज़ होना चाहिए पीएचडी स्टूडेंट के लिए. और वो जो कोविड बैचेस है, कोविड में पैंडेमिक में अफेक्ट हुआ है, उसके लिए 2018 बैच के लिए एक्सटेंशन चाहिए स्टाइपेंड के साथ 1 साल के लिए. पहले से भी 6 साल का वो था, 6 साल का टाइम था पीएचडी स्टूडेंट के लिए. और अभी हम भी वही चाहते हैं कि 2018 बैच और 2019 बैच के लिए 1 साल एक्सटेंशन, उसके साथ 30-40 लोग हैं उनके लिए स्टाइपेंड भी करें ये एडमिनिस्ट्रेशन. यही है डिमांड. और थोड़ा सा वो जो रिप्रेजेंटेशन है यूजीसी में और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि सब कभी कभी डिसीजन लेना है तो स्टूडेंट का वॉइस होना चाहिए. और रिफॉर्म भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो स्कॉलरशिप है बहुत कम है. ये सरकारी का, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ का 8 कंट्रीज़ का वो है मतलब फंड है इसमें. इस स्टैंडर्ड बहुत लो है इधर, स्टैंडर्ड मतलब फंडिंग बहुत लो है और हॉस्टल में भी इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है. इसलिए स्टूडेंट का मांग ये है कि स्कॉलरशिप इंक्रीज़ करें. और वो जो फॉरेनर स्टूडेंट के लिए है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, वीज़ा भी नहीं मिलता है, उनके लिए यूनिवर्सिटी कुछ करे. और वो जो स्टूडेंट अफगानिस्तान से है, उसको वीज़ा नहीं मिलता है, वो अभी ऑनलाइन करता है, ऑनलाइन पढ़ाई करता है, उनके लिए भी मतलब स्टाइपेंड देना होगा ना. अब तक स्टाइपेंड नहीं दिया हुआ है उनके लिए, बहुत प्रॉब्लम है उसका. उसमें बहुत गरीब लोगों भी है कि उसका इंटरनेट खरीदने का पैसा नहीं है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा है. उनके लिए भी कुछ स्टाइपेंड देना पड़ेगा, यही है सब डिमांड, यही है. थैंक यू. ये तरहा रेजा है आणि यानी अंडर ग्रेजुएशन आप कहाँ से पूरा किया है महाराष्ट्र में? अंडर ग्रेजुएशन महाराष्ट्र में पुणे यूनिवर्सिटी से किया है, नवरोज शिवाजी कॉलेज से. और ICCR स्कॉलरशिप था इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से, मैं ICCR स्कॉलरशिप में आया था और अंडर ग्रेजुएट वहाँ हुआ है. मास्टर्स इधर दिल्ली में हुआ है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में और अभी PhD कर रहे हैं. तर स्कॉलरशिपमध्ये अफगाणिस्तानसारख्या भागातून गरीब विद्यार्थी देखील वेगवेगळ्या स्कॉलरशिपमधून कशा पद्धतीने शिकतात ह्याचं हे उदाहरण आहे. माझ्यासोबत सपना देखील आहे. सपना हरियाणामधून आहे, ती मुलगी आहे आणि हरियाणामधील मुलींच्या शिक्षणाची परिस्थिती आपण सगळे जाणतो. सपना या ठिकाणी आता शिक्षण घेत आहे इकॉनॉमिक्स खास करून. सपना, ये आप क्या करती है और आपकी क्या मांगे है? मैं यहाँ पे PhD इकोनॉमिक्स 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ. तो साओ में इतने दिनों से एक सिट इन हो रहा है, एक प्रोटेस्ट हो रही है. हमारी बेसिक सी 4 डिमांड है. पहली डिमांड यही है कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको इंक्रीज़ करके 7000 किया जाए. अभी जो स्कॉलरशिप है वो 4000 के अराउंड है, पहले 5000 था, इन्होंने और कम कर दी है. तो मेस का जो एक्सपेंडिचर है उसी में 3000 के अराउंड लग जाता है. तो दिल्ली में आप 1000 रुपीज़ अगर आपके पास बचता है मंथली, तो आप एज अ स्टूडेंट आप कैसे मैनेज करोगे? आपका स्टेशनरी है, प्रिंट आउट है, कुछ भी है, उसी में आपका 1000 रुपीज़ लग जाएगा. तो 1000 रुपीज़ में आप नहीं मैनेज कर सकते. तो इट्स अ वेरी बेसिक डिमांड कि आपका इतना स्कॉलरशिप तो होना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको. एक स्टूडेंट लाइफ है जो आपकी नीड्स हैं वो एटलीस्ट मीट कर सको.
इसके अलावा वी आर बेसिकली सेइंग जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो इंडियन गवर्नमेंट का भी है कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों का रिसर्च अफेक्ट हुआ है, रेगुलर मीटिंग्स नहीं हो पाती हैं फैकल्टी से, किसी की फील्ड स्टडी है वो नहीं हो पाती है, तो वी आर बेसिकली सेइंग कि जो भी कोविड अफेक्टेड बैच हैं पीएचडी के उनको पेड एक्सटेंशन मिले, जो यूजीसी की तरफ से भी मिलता है, बट साओ उसके लिए एग्री अभी नहीं कर रहा है, तो अगेन इट्स ऑल्सो अ वेरी बेसिक डिमांड। इसके अलावा वी आर बेसिकली सेइंग कि जो पीएचडी की स्कॉलरशिप है वो जीआरएफ के साथ पैरिटी में होनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट जीआरएफ देती है, जो लोग जीआरएफ क्लियर करते हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है उतनी ही साओ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट का आइडिया है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है तो उसके हिसाब से वो अमाउंट एडजस्ट करते हैं, फंडिंग एडजस्ट करते हैं, तो वी ऑल्सो वॉन्ट दैट साओ शुड ऑल्सो डू द सेम। And then there are certain committees, gender sensitization committees, there are several other committees are there. So we want that there should be proper representation from different faculties, not like social science, science, all the faculty members should be there, and also some sort of student representation should also be there. But the problem right now that we are facing is that the administration जो है वो बात करने के लिए ready ही नहीं है। क्या attitude है administration से? Administration का attitude यही है कि students अब hunger strike पे हैं, fourth day है hunger strike का, बहुत सारे students का sugar level भी कम हो गया है, blood pressure का भी issue आ रहा है, but administration मिलने भी नहीं आता है students से और उनसे call करो, contact करने की कोशिश करो, तो वो बहुत ignorant है, वो सही से बात नहीं कर रहे हैं। तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि स्टूडेंट से मिलने नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो उनका वही इशू है, वो तमीज़ से बात नहीं कर रहे हैं, हमारी डिमांड के लिए कोई कमेटी भी बनाने के लिए अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। इसके अलावा यही मेन इश्यूज हैं कि 5 स्टूडेंट्स को उन्होंने एक्सपेल भी किया है, तो स्टूडेंट्स आर जस्ट सेइंग दैट यू शुड रिवोक द एक्सपल्शन ऑर्डर्स, क्योंकि एक्सपेल करने के लिए कोई भी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया है, और स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन हंगर स्ट्राइक दैट यू शुड रिवोक द एक्सपल्शन ऑर्डर्स। इसके अलावा आप कमेटी बनाइए, जो हमारी डिमांड है नेगोशिएट कीजिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड यही है कि वो स्टूडेंट्स से भी बात नहीं कर रहे हैं और वो फैकल्टी से भी बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। फैकल्टी जो उनके खुद के कलीग्स हैं, फैकल्टीज़ को भी वो इग्नोर कर रहे हैं, फैकल्टीज के साथ भी प्रॉपर मीटिंग्स वो नहीं कर रहे हैं, सो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हंगर स्ट्राइक पे भी लोग बैठे हैं, आई थिंक इसके अलावा आगे आगे हंगर स्ट्राइक में मोर पीपल आर गोना सिट, मोर पीपल वुड जॉइन फॉर इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक, एंड ऑल दैट वी आर सेइंग इज दिस दैट द एडमिनिस्ट्रेशन शुड एटलीस्ट टॉक टू द स्टूडेंट्स, वी आर रेडी टू टॉक अबाउट द डिमांड्स, विल लिसन टू देम, इफ दे कैन नॉट मीट अवर डिमांड्स विल टॉक अबाउट इट, बट एटलीस्ट टॉक विद द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द हंगर स्ट्राइक, कीपिंग इन माइंड द हेल्थ ऑफ दीज पीपल, सो दैट्स ऑल दैट वी वांट टू से। एक मुद्दा ये भी है, इसमें बहुत सारे अदर्स कंट्रीज के बच्चे हैं, तो भारत की प्रतिमा उस देशों में उन बच्चों के मन में एक अलग सी बन जाएगी इससे? हाँ, देखिए जाहिर सी बात है, सार्क नेशंस इट्स सच अ ब्यूटीफुल आइडिया कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जो भी हैं वहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे की पॉलिटिक्स को समझते हैं, सो इफ़ समबडी इज़ कमिंग हेयर, चूजिंग टू कम हेयर, सो दे डेफिनेटली हैव सम एक्सपेक्टेशंस कि इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, बट यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आई हैव लिटरली हर्ड सम पीपल सेइंग कि यहाँ पे आने के बाद उनको रिग्रेट हो रहे हैं कि दे हैव कम हेयर फ्रॉम सम अदर कंट्रीज़, लेकिन जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड है, यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स नहीं मीट हो पा रही हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन आपको एज अ रिसर्च स्कॉलर, एज अ मास्टर स्टूडेंट ट्रीट ही नहीं कर रहा है, तो वो पूरा पावर डायनेमिक्स यहाँ पे दिखता है कि स्टूडेंट्स को आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि उनको बात करने के लायक भी नहीं समझ रहे। तो साओ का इतना अच्छा आइडिया था कि डिफरेंट कंट्रीज़ कमिंग टुगेदर, पुटिंग टुगेदर देयर आइडियाज़, बट वो मैसेज what we are conveying to other nations is simply this, that the administration here has stooped to such a low level that they are not even talking with their own students just for some basic demands, so definitely we are giving a wrong message to all the other countries. Sir, hi hoti sapna ani rezo, tar apan janun ghetlela ahe ki kasha paddhatine bharataachi pratima itar sarv deshamade malin hou shakte ya sagya yachamule, ani vishesh bab mhanje itar deshamade apan jar pahila asan ukraine ani russia cha yuddhacha purvi आपले अनेक विद्यार्थी तिथे चांगले शिक्षण आहे युक्रेन आणि रशियामध्ये, खास करून युक्रेनमध्ये गेले होते, तर आणि त्यावेळेस त्यांना जो त्रास झाला, त्यावेळेस आपण जाणलेलं आहे की आपल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना त्रास झाल्यामुळे भारत सरकारने किती मोठा खर्च केला आहे, मात्र त्याच पद्धतीने जेव्हा बाहेरच्या देशातील विद्यार्थी आपल्याकडे शिकायला येतात, जर त्यांना योग्य सुविधा, योग्य मानधन, योग्य स्कॉलरशिप दिली जात नसेल, तर निश्चितपणे देशाची प्रतिमा यामुळे मलिन होऊ शकते। कॅमेरामन राजू गौतमसह शिवाजी काळे, साम टी व्ही न्यूज, दिल्ली।